मैं विनोद कोठारी, लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक उदयपुर। चैन सर्वेइंग के कड़ी में ही आज हम फील्ड में चैन सर्वे किस प्रकार से शुरू करते हैं और कैसे करते हैं उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो चैन सर्वे करने के कुछ स्टेप्स हैं, उसमें ये स्टेप्स ये हैं: रिकग्नाइजेंस, मार्किंग एंड फिक्सिंग सर्वे स्टेशन एंड रनिंग सर्वे लाइन्स। रिकग्नाइजेंस हम ये बोलते हैं कि अवलोकन, और सभी सर्वे का, किसी भी प्रकार के सर्वे हो उसमें सबसे पहला कार्य अवलोकन का ही किया जाता है। अवलोकन का मीनिंग ये होता है कि सबसे पहले जब हम सर्वे स्टार्ट करते हैं उसके पहले जिस एरिया की हमको सर्वे करनी है उस एरिया में घूमकर हम उसका अवलोकन करते हैं उस पूरे, और उसमें हम कुछ जो प्रोमिनेंट हमारे लिए पॉइंट्स हैं जो हमको ध्यान में रखने होते हैं उन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम उसमें वहां पर सर्वे लाइंस और सर्वे स्टेशंस को पोजीशंस को फिक्स करते हैं। सर्वे स्टेशंस और सर्वे लाइंस की पोजीशंस को फिक्स करने के लिए यह आवश्यक है कि हमें कुछ बिंदु को ध्यान में रखना पड़ता है उस समय भी, कि जिस समय हम सर्वे स्टेशन फिक्स कर रहे हैं उस समय हमें ये ध्यान में रखना आवश्यक है कि वह सर्वे स्टेशन और सर्वे लाइन से हम मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन ले सकें और अधिक डिस्टेंसेस उसमें नहीं हो। दूसरा उसमें कि बिल्डिंग्स, रोड्स आदि जो भी इस तरह के परमानेंट फीचर्स हैं उन फीचर्स में कोई ऑब्स्टेकल्स तो नहीं है, और अगर ऑब्स्टेकल्स है तो वह हमारे सर्वे लाइन्स के बीच में हमारे मध्य में आएंगे तो निश्चित तौर पर हमको प्रॉब्लम्स आएगी। तो ऐसे समय पे बिल्डिंग्स, रोड्स और जो परमानेंट फीचर्स है अगर मान लो उस एरिया में, तो उनको अवॉइड करते हुए स्टेशन पॉइंट्स को, सर्वे स्टेशंस को हमको फिक्स करना होता है। और यह भी ध्यान में रखना पड़ता है कि किसी भी सर्वे स्टेशन से हम पिछला स्टेशन और अगला स्टेशन दोनों ही हमारे लिए विजिबल हो। और यदि ये सबसे पहले कार्य करने के पश्चात हम उसमें उनकी मार्किंग करते हैं, मार्किंग में हम कुछ बिंदुओं का ध्यान में रखना आवश्यक है। जैसे सबसे पहले तो मार्किंग जब हम करते हैं स्टेशंस की तो उसके हमको फिक्सिंग करनी पड़ती है कि भाई कि कल को अगर मान लो हम वापस अगर आके सर्वे काम शुरू करें तो हमको वो स्थान पॉइंट हमको आसानी से लोकेट हम कर सके। तो उसके लिए हम वुडन पैक्स या नेल्स और कुछ अगर मान लो इस तरह की नहीं है वो बहुत हार्ड ग्राउंड है जिसको मैं पॉइंट को आगे डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट ये कि यदि मान लो ग्राउंड हमारा सॉफ्ट है कि बहुत नरम है तो उस समय हम वुडन पैक्स हम काम में ले सकते हैं और वुडन पैक्स को हम जमीन में गाड़ देते हैं और लेकिन थोड़ा सा पोर्शन उसका बाहर निकाला हुआ रखते हैं, बहुत अधिक भी निकाला हुआ नहीं रखते क्योंकि अगर मान लो सपोज उस एरिया में कोई आवागमन है तो उसमें उनको वह उनके लिए बाधा उत्पन्न करेगा और वह हो सकता है कि कोई उसको निकाल ही दे तो नेक्स्ट डे या जब आप नेक्स्ट टाइम पर जब आए आप सर्वे करने के लिए तो आपको वुडन पैक को गड़ी हुई नहीं मिले। तो इसलिए यह आवश्यक है कि वुडन पैक को इतना अधिक अंदर तक आप जमीन में गाड़ दें, केवल थोड़ा सा पोर्शन उसका बाहर रखें ताकि वो ऑब्स्टेकल भी ना हो किसी के लिए और आप आसानी से जब उसको आप सर्वे करें तब आप उसको आसानी से लोकेट कर सकें। इसके साथ साथ इनमें यह भी जो आप स्टेशन पॉइंट्स आप फिक्स कर रहे हैं उनकी कम से कम दो बिंदुओं से उसकी लोकेशन हमको ज्ञात करनी होनी आवश्यक है। तो इसके लिए सपोज जो भी हमने पेग लगाई है उसके दो परमानेंट कोई भी वहां पर उधर परमानेंट फीचर्स है तो उनसे उसका डिस्टेंस टेप से मेजर करके उसको हम कॉपी के अंदर नोट कर लेते हैं कि यदि हम नेक्स्ट टाइम जब हम सर्वे करने आए और हमको वह वुडन पेग न मिले तो भी हम आसानी से उस पॉइंट को हम लोकेट कर सकते हैं उस दो बिंदुओं के जो हमारे प्रिंसिपल या परमानेंट जो हमारे पॉइंट्स थे उनसे हमने जो डिस्टेंसेस लिए थे और हमने कॉपी में नोट डाउन किए हुए थे उसका डिस्टेंसेस को पुनः उसमें हम मेजर करके उस पॉइंट को हम लोकेट रिलोकेट कर सकते हैं। सेकेंड, यदि मान लो ग्राउंड हमारी हार्ड है या अगर मान लो सपोज रोड है या स्ट्रीट है तो उस उन जगहों पर हम वुडन पेग या हम एरोज हम उसमें वहां नहीं लगा सकते हैं तो उन जगहों पर हम किलियां और किले हम काम में लेते हैं, उन किलियों का उनको उसमें पूरा जमीन में उसमें डाल देते हैं पूरा हथौड़ी से
पीट कर उसको अंदर फ्लश कर देते हैं, ताकि वो ये कि उसका केवल ऊपर हेड, ऊपर का जो हेड है वो हमको नजर आए और बाकी उसमें ऑब्स्टेकल किसी भी प्रकार का नहीं रहे। और यदि हार्ड जमीन है और वहां पर हमको अगर मान लो स्टेशन पॉइंट्स फिक्स करने हैं, तो उस केस में तो हम थोड़ा सा उसमें जमीन को हम खोद कर और उसमें सीमेंट मोर्टर डाल देते हैं और उस पर मार्किंग कर देते हैं, तो वो हमारे परमानेंट मार्किंग के लिए भी यह एक आवश्यक है। कि या मान लो हमारे पास अगर मान लो स्टोन के ऐसे छोटे छोटे पीसेस हैं, तो उनको भी हम एम्बेड कर सकते हैं ग्राउंड के अंदर, यदि हमको बहुत लंबे समय तक उसको वहां पर अगर उन स्टेशन पॉइंट्स को रखना है, तो हमारी वुडन पेग्स या एरोज या हमारे कीलियां ये काम नहीं करेगी। तो उस केस में हमको वहां पर पत्थर के ऐसे ब्लॉक्स आते हैं, उन ब्लॉक्स को हम जमीन के अंदर एम्बेड कर देते हैं, उनको सीमेंट मसाले से फिक्स कर देते हैं, ताकि वह आसानी से निकाले भी नहीं जा सकते हैं और उनको उस जमीन के अंदर हमारे परमानेंटली रह सकते हैं और ऑब्स्टेकल भी नहीं रहे। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो ध्यान में रखनी होती है जिस समय हम स्टेशन को मार्क कर रहे हैं या फिक्स कर रहे हैं, कि ऑब्स्टेकल किसी भी प्रकार का उनके द्वारा नहीं उत्पन्न होना चाहिए। और जैसा मैंने बताया कि स्टेशन जो भी हम स्टेशन पॉइंट्स लेंगे, उनको दो परमानेंट ऑब्जेक्ट से हम उसके लोकेशन को हम फील्ड बुक में नोट करेंगे, ताकि ये कि कभी अगर मान लो सपोज किसी कारणवश हम उस स्टेशन पॉइंट को वहां से मिस करते हैं, तो आसानी से हम उसमें ढूंढ सकते हैं। अब फिर उसके बाद आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है रनिंग सर्वे लाइंस। रनिंग सर्वे लाइंस में हम उन सर्वे स्टेशन पॉइंट्स के बीच में हम चेन को हम बिछाते हैं, और चेन की जहां तक लंबाई होती है, जो कि हो सकता है कि हमने जो स्टेशन पॉइंट्स लिए उसमें एक चेन लेंथ से अधिक की लंथ हो, तो हम चेन को हम रेंज करते हैं उसमें रेंजिंग रोड की सहायता से। और जब चेन को हम फिक्स एक बार एक चेन को अगर मान लो सपोज 20 मीटर की चेन है, तो उसको 20 मीटर हम लंबाई में बिछाकर और उसके दोनों हुक्स पर जो एंड सिरे पर जो हुक्स होते हैं उसके अंदर हम एरो या पेग हम लगा देंगे, ताकि वो चेन अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होगी। और उसके बाद हमको जो भी बिल्डिंग्स हैं या जो भी परमानेंट हैं फीचर्स हैं उस एरिया के, उनके हमको ऑब्जर्वेशंस लेने और फील्ड बुक के अंदर एंट्री करनी है, तो उनके ऑफसेट्स लेकर, उनका ऑफसेट के मेजरमेंट्स लेकर हम फील्ड बुक में एंटर हम करते हैं। और इस तरीके से और हम इस शुरुआत करते हैं उसमें, फील्ड बुक में भी इस प्रकार से एंट्री करते हैं कि जहां से हम शुरू करते हैं उसको नीचे से लेकर हम ऊपर की तरफ फील्ड बुक में बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हम उसमें सर्वे लाइंस की ऑब्जर्वेशंस भी उसमें अंदर सारी डिटेलिंग जो होती है वो हमारी फील्ड बुक के अंदर हम एंटर करते हैं। अब जिस समय हम सर्वे कर रहे होते हैं, चेन सर्वे कर रहे होते हैं, उस समय कुछ हमारे चेन सर्वे के दौरान बाधाएं आ सकती हैं, और उन बाधाओं को किस तरीके से दूर किया जा सकता है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। बाधाएं 3 प्रकार की हो सकती हैं। पहली बाधा हो सकती है कि जब हम चेन को रेंजिंग कर रहे हैं, तो रेंजिंग में किसी प्रकार की बाधा आने से हम आगे उसको फर्दर रेंज नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी अब बाधा हो सकती है कि हम चेनिंग जो है, हम चेनिंग में हम उसके डिस्टेंसेस हम लेते हैं, उसके चेनेज लेते हैं, तो यदि मान लो जैसे लंबी रेखा है, तो उसमें हो सकता है कि हमको 5 से 10, 15, 20, 25 इस तरीके से चेन को हमको आगे प्रोलोंग करना होता है, तो उस समय हमको जो उसकी चेनिंग का चेनेज होती है वो चेनेज हमको नोट करनी पड़ती है। तो वो चेनेज हम नोट करने में हमको किसी तरह का कोई ऑब्स्टेकल आ गया बीच में, तो उसको हम नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको किस प्रकार से ओवरकम करेंगे इस प्रॉब्लम को। और तीसरी तरह की होती है कि जिसमें चेनिंग और रेंजिंग दोनों ही हमारे लिए संभव नहीं हो इजी वे में, तो उस केस में हम कैसे इनडायरेक्ट वे से हम उसकी चेनिंग और रेंजिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑब्स्टेकल इन रेंजिंग। ऑब्स्टेकल इन रेंजिंग में हम ये है कि हम एक सिरे पर खड़े हैं हम, और दूसरा सिरा हमको नहीं नजर आ रहा है, बीच में कोई पहाड़ी आ गई है, और पहाड़ी आने से हमको या कोई झाड़ियां आ गई है, तो उस केस में हमको वहां पर उसको विजिबल नहीं है दूसरा पॉइंट, तो उस केस में हम कैसे करेंगे। तो
जैसे फॉर एन एग्जाम्पल कि मान लो हम ये रेंज कर रहे हैं, ए से बी तक हमको ये रेंजिंग करनी है, लेकिन अब चूंकि यहां से ए से हमको बी हमको विजिबल नहीं है, और विजिबल नहीं होने के कारण से हम ए से बी की ओर रेंजिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका इनडायरेक्ट मेथड हम काम में लेते हैं। इनडायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले फ्रॉम बोथ एंड्स ऑफ द लाइन मे बी विजिबल फ्रॉम इंटरमीडिएट पॉइंट्स ऑन द लाइन, यानी कि कोई हम एक ऐसा पॉइंट लेते हैं कि जो कि दोनों बिंदुओं से विजिबल होता है। तो मान लीजिए सपोज हमने ये एम पॉइंट लिया है, और एम पॉइंट जो ये कि ए से भी विजिबल है और बी से भी विजिबल है, तो बी से एम को हम रेंज करते हुए हम यहां पर इसमें आगे मैंने जिक्र किया हुआ है कि सेलेक्ट टू पॉइंट्स एम एंड एन एज नियर टू लाइन ए बी एज पॉसिबल, कि ये एम और एन दो हमने पॉइंट्स लिए हैं जो कि जितना इस ए और बी के पास में हो उतना अच्छा रहेगा, उसमें एम और एन हम पॉइंट हमने ले लिए। अब शिफ्ट पॉइंट एन इन द अलाइनमेंट ऑफ एम बी, अब हम क्या करते हैं कि B और M को हम अलाइन करते हैं, यहां पर हम एक रेंजिंग रोड लगाते हैं, यहां पर हम एक रेंजिंग रोड लगाते हैं और इसको अलाइन करते हैं। अलाइन करने के बाद हम इस पॉइंट को अब एक तीसरी रेंजिंग रोड पकड़ के हम इस पे जाएंगे यहां पर, और जब ये दोनों रेंजिंग रोड के बीच में ये तीसरी रेंजिंग रोड भी एक ही सीध में नजर आने लग जाती है, तब उस समय हम यहां पर पॉइंट N1 मार्क कर देंगे, और इसके पश्चात हम फिर एक एन वन हम रेंज करेंगे, ए पर एक रेंजिंग रोड होगी, एन पर एक रेंजिंग रोड होगी, और फिर हम एक तीसरी रेंजिंग रोड हम लेकर हम इस पर आगे शिफ्ट करेंगे इस तरह जैसे मेरा पेन का डायरेक्शन है, और जब जिस समय इसी पोजीशन पे कि हमको ए एम वन और एन वन तीनों एक ही सीध में नजर आए तो हम एम वन फिक्स कर देंगे। एम वन फिक्स करने के बाद अब वापस बी एम वन को हम रेंज करेंगे, और फिर उसके बाद रेंजिंग रोड को एन टू जो हमारी पोजीशन हो गई है हमारी, उससे हम रेंजिंग रोड को धीरे धीरे वापस उस पर ले जाएंगे। जब एम वन बी और एन टू एक ही सीध में हो जाए तो हम उस समय यहां पर ये एन टू हम फिक्स कर देंगे। इस प्रकार से यहां पर भी हम ए एम टू को हम रेंज करेंगे, और इसी तरीके से धीरे 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 धीरे, अब ये देखिए कि आप यहाँ के एम से एम एन जब इतना डिस्टेंस पे था, धीरे 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 ये करते हुए हम इसके बिल्कुल पास में आ गए। ऐसी स्थिति जब आ जाती है कि जब हमको ये अच्छा ये पॉइंट जो है हमको यहां से बी एम हमको दिख रहा है और ए एन हमको दिख रहा है, तो इसके केस में हमको यहां पर ये एम और एन इस लाइन ए बी पर मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हमने इनडायरेक्ट वे से ए एम एन बी एक ही लाइन में हमने रेंज कर दिया है, तो ये एक मेथड है। दूसरा मेथड हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं कि यदि मान लो लाइन हमने ए बी ली है और उसमें ये है कि ए और बी हमारे विजिबल नहीं है, ए और बी विजिबल नहीं होने के केस में हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम ये करेंगे कि एक पॉइंट बी वन लेंगे जो कि हमारे रेंडम हम एक अलग लाइन ले लेंगे हम इसमें ए बी वन। ए बी वन हम लाइन लेने के बाद हम यहां पर इस बी पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और जो कि पॉइंट इस बी पर रहेगा, तो यानी कि अब हम यहां पर इस बी वन को इस तरीके से फिक्स करेंगे कि यह परपेंडिकुलर इस बी पर आए, तो जब यहां हमारा पर बी पर आ जाएगा तो उस केस में हमने ये यहां पर ये ट्रायंगल ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया ए बी वन बी, जिसमें हमारा ए बी हमारा ये डायगोनल हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया बी बी वन। अब बी बी वन थ्रू पॉइंट बी वन मेजर बी बी वन, अब हम यहां पर इसको बी बी वन को मेजर कर लेंगे, और यहां पर इस ए बी वन की लाइन पर C1 और D1 दो बिंदु और हम लेंगे, वो किसी भी डिस्टेंस पर हम ले सकते हैं, और यहां से C1 और D1 के ऊपर हम परपेंडिकुलर हम डालेंगे, परपेंडिकुलर हम डालेंगे, तब हमारे पास C1C हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा कि C1C इज इक्वल टू AC1 अपॉन AB1 मल्टीप्लाइड बाय BB1, क्योंकि ये दो सिमिलर ट्राइंगल्स हो जाएंगे और दो सिमिलर ट्राइंगल्स को हम रेशियो से हम उसका कैलकुलेशन कर लेंगे, जिससे हमको सी वन सी और इसी तरीके से डी वन डी हो जाएगा ए डी वन अपॉन ए बी वन और मल्टीप्लाइड बाय बी बी वन, तो इससे डी वन डी हमको मिल जाएगा। और जब हम
सीओडी को हम ज्वाइन कर लेंगे तो ये मतलब हमारे ए सी डी और बी चारों ही बिंदु जो है वो ए बी लाइन पर ही होंगे, ये चारों एक ही रेंज में होंगे। इस प्रकार से हमने यहाँ पर इसको सर्वे को हमने ये प्रोलोंग कर लिया है सर्वे लाइन को। अब सेकंड ये है कि ऑब्स्टेकल टू चेनिंग, हमने पहला देखा था ऑब्स्टेकल टू रेंजिंग, दूसरा है ऑब्स्टेकल टू चेनिंग। कि चेनिंग में यह है कि हम चूंकि जब हम लेंथ हम करते हैं तो सपोज मान लो जैसे फॉर एन एग्जाम्पल कि हम ए तक तो पहुंच गए हैं, अब यहां पर बीच में हमारी नदी आ गई या तालाब आ गया है, तो जिसमें हम ये कि यहां से यहां तक ए से बी तक का डिस्टेंस हम नहीं निकाल सकते, चेनेज नहीं निकाल सकते बी का चेनेज विथ रेफरेंस टू ए। तो हमारे पास डिफरेंट तरीके होते हैं कि हम किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहला केस हम ये लेते हैं, केस नंबर वन, कि हम ए डी और बी सी दो ये परपेंडिकुलर हम इरेक्ट करते हैं, जिसमें ये होता है कि सी डी जो होता है जब हम परपेंडिकुलर इरेक्ट करेंगे तो ए डी इजिकल टू बी सी होगा, यानी जिसकी जितनी लंबाई हमारी इसकी ए डी की होगी उतनी ही हम बी सी की लेंगे। तो सी ओ डी जो कोई बिंदु को अगर हम देखें तो ये सी डी बिंदु ए बी के पैरेलल ही होंगे, क्योंकि जब ये लेंथ और ये लेंथ हमारी एडी और बीसी बराबर है तो उस केस में सीडी इज इक्वल टू एबी हो जाएगा और हम सीडी को मेजर कर लेंगे। इस तरीके से हमको ये बी का मेजरमेंट मिल जाएगा, हमको बी का चेनेज मिल जाएगा। सेकंड मेथड है कि हम ए बिंदु पर हम एक परपेंडिकुलर इरेक्ट करते हैं और यह परपेंडिकुलर और फिर उसके बाद हम बी और सी को हम मेजर कर लेते हैं और एसी को भी मेजर कर लेते हैं। चूंकि यहां पर हमने ए बी लाइन पर हमने ये एसी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये इस एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम वो विकर्ण का स्क्वायर का योग इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का वो फॉर्मूला हम लगाकर हम इसमें ए बी की लंबाई निकाल सकते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, इस तरीके से हम इसको ए बी का बी का चेनेज हम निकाल सकते हैं। तीसरा मेथड यह है कि ए और बी बिंदु से कोई एक सी बिंदु हम मार्क कर देते हैं, सी बिंदु हम मार्क करते हैं कोई ऐसी जगह पर कि जिससे दोनों बिंदु विजिबल हो, और उसके बाद हम ए सी और बी सी की लंबाई को हम नाप लेते हैं। अब उसके बाद हम यहां पर डी और ई बिंदु जो ए सी और बी पर है, बी सी पर है, इस प्रकार से फिक्स करते हैं कि डी सी शुड बी इक्वल टू ए सी अपॉन एक्स और ई सी शुड बी इक्वल टू बी सी अपॉन एक्स। उसके बाद हम डी को हम मेजर कर लेते हैं और मेजर करने के बाद हम ए बी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक्स इंटू डी, जो भी हमने एक्स वैल्यू ली है वो यहां पर ये रखकर एक्स और डी का जो मेजरमेंट है वो ले तो हमको ये बी का चैलेंज वापस मिल जाता है। ये तो रहा केस हमारा कि जिस समय पॉन्ड है तो जिससे हम यहां पर बी पर हम पहुंच गए हैं, चाहे इस तरह से घूम के पहुंचे लेकिन हमने इसका चेनेज ज्ञात कर लिया। लेकिन यदि मान लो सपोज रिवर है तो उस केस में हमारे लिए संभव नहीं है कि हम घूम के इस बी बिंदु पर हम पहुंच सके, तो उस केस में भी यदि हमको ए बी की लंबाई निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे। तो ए बी की लंबाई निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक जो हमने ये रेंज हमारी ये रेंजिंग हम इस तरह से करते हुए आ रहे चैलेंज का, सी और ए बिंदु और बी बिंदु तीनों एक ही सीध में है, तो ए बिंदु पर हम सबसे पहले एक परपेंडिकुलर इरेक्ट करते हैं। परपेंडिकुलर इरेक्ट करने के बाद हम इस डी बिंदु को और बी बिंदु को हम रेंज करते हुए ई बिंदु हम पॉइंट मार्क करते हैं। ई बिंदु पॉइंट मार्क करने के बाद इसी प्रकार से एक सी बिंदु पर भी हम परपेंडिकुलर इरेक्ट करते हैं, जो सी एफ या सी ई जो है वो हम इसको इरेक्ट करते हैं, और इस ए डी की हमने जो लंबाई ली है उतने ही पॉइंट के ऊपर हम ये एफ बिंदु मार्क कर देते हैं। तो इट मीन्स कि यहां पर ये हो गया कि ए सी सी ए इज इक्वल टू एफ डी और ए डी इज इक्वल टू सी एफ। अब हम ये दो सिमिलर ट्राइंगल लेते हैं सी बी ई और एफ डी ई, इसमें हम ये साइड्स का रेशियो हमारा होता है, तो इस सीबीई के अंदर ए बी अपॉन ए डी या सॉरी ये हम ले लेते हैं ए बी डी का हम ट्राइंगल ए बी डी और डी ई एफ, तो ए बी अपॉन ए डी इजिकल टू डी एफ अपॉन एफ ई। तो इस तरीके से हम यहां पर
एफ ई हम कैलकुलेट कर लेते हैं, एफ ई इज इक्वल टू सी माइनस सी एफ, और सी माइनस सी एफ, सी एफ इज इक्वल टू ए डी, तो सी माइनस ए डी, तो देयर फोर डी एफ इज इक्वल टू ए सी। और अब इस फॉर्मूले में हम एफ ई और की वैल्यू हम डी एफ की जगह हम ए सी लिख देते हैं, तो ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी माइनस ए डी, तो देयर फोर ए बी इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी अपॉन सी माइनस ए डी। तो इस तरीके से हम ए से बी तक का हम डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं, तो बी का चेंज हम ज्ञात कर सकते हैं। अब तीसरा होता है ऑब्स्टेकल टू बोथ चेनिंग एंड रेजिंग, कि जो दोनों केस हमने देखे थे रेंजिंग और चेनिंग के, कि पहले वाले केस में पहाड़ी आ गई है, दूसरे वाले केस में तालाब या नदी आ गई है, लेकिन अगर ऐसा हो कि एक बिल्डिंग आ गई हो तो जिसमें न तो हमारा चेनिंग संभव है न हमारी रेंजिंग संभव है, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि जैसे सपोज हम इधर से इस तरफ से ए बी से बढ़ रहे हैं और हमको आगे ये लाइन को रेंज करना है, तो हम यहां पर इस बिल्डिंग के पास में दो पॉइंट हम लेंगे ए बी, और ए बी के ऊपर हम दो परपेंडिकुलर इरेक्ट करेंगे बराबर लंबाई के, ए सी और बी डी, जो दोनों की बराबर लंबाई होगी, और इसके बाद हम सी और डी को रेंज करते हुए हम इसी लाइन को आगे प्रोलॉन्ग करेंगे, ई और एफ बिंदु हम मार्क करेंगे, और ई एफ और एफ बिंदु मार्क करने के बाद फिर हम ई बिंदु पर वापस पुनः परपेंडिकुलर इरेक्ट करेंगे और एफ बिंदु पर भी हम परपेंडिकुलर इरेक्ट करेंगे। अब चूंकि हमारे पास ए सी और बी डी की लंबाई है हमारे पास, तो वही हम लंबाई बी डी की हम ई जी लंबाई लेंगे और सी ए की लंबाई हम एफ एच लंबाई लेंगे, जहां तक संभव हो सी ए और बी डी की हम लंबाई एक ही रखी जाती है, तो हम यहां पर ये वाली लंबाई लेकर तो इस बाद पॉइंट जी और पॉइंट एच हमारा मार्क हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहां पर इसको रेंज भी कर दिया और चेनिंग भी कर दी इसकी। इसका दूसरा तरीका यह है कि अब यहां पर अगर मान लो कोई बिल्डिंग आ गई है, तो हम यहां पर एक ऐसी पॉइंट हम लेते हैं, सी पॉइंट लेते हैं, सी पॉइंट पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जो कि आगे हम एक बी पॉइंट मार्क कर देते हैं, यानी एसी हमारे पास लेंथ हमको मालूम है, इस सी बिंदु से हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये हमने बी पॉइंट मार्क कर दिया है। अब बी पॉइंट अभी हमें नहीं मालूम है कि बी रेंज में है या आउट है, लेकिन हमने बी पॉइंट मार्क कर दिया है। अब इस बिंदु ए से एक डी बिंदु पर हम एक और पॉइंट लेते हैं, इस लाइन पर एक डी, और इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर इरेक्ट करते हैं डी ई, और इसी तरीके से एफ बिंदु पर हम बी सी के ऊपर इस तरीके से हम करते हैं कि बी एफ इज इक्वल टू ए ई हो जाए, कि यहां पर हमने क्योंकि हमने ये डी परपेंडिकुलर रिएक्ट किया, हमने यहां पर ए ई को मार्क कर लिया, हमने ये ए ई निकाल दी, यहां पर भी हम जितनी ए ई की लंबाई है उतनी ही हम बी एफ भी हम ले लेते हैं, और इसके बाद हम यहां पर इसमें चूंकि हमने ये परपेंडिकुलर इरेक्ट किया हुआ है, अब जी हमको करना है, तो यहां से ई पॉइंट से हम डी के बराबर का हम एक चाप काटेंगे, और ए बिंदु से बी बिंदु की जितनी लंबाई है उतनी लंबाई का हम बी बिंदु से एक चाप काटेंगे, जहां पर ये दोनों चाप बी और एफ से काटेंगे, चाप जहां काटेंगे वह पॉइंट हमारा जी होगा, और वह जी हमारा इसी लाइन में रहेगा। तो इस तरीके से हम ए डी जी भी हम इस लाइन को रेंज भी कर सकते हैं और इसका चेनिंग भी हम निकाल सकते हैं। तो यह तरीके होते हैं हमारे ऑब्स्टेकल को ओवरकम करने के। थैंक यू।